स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों से? जी तो बेटा हम लोगों ने कल न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे इसके। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया था और आई थिंक 22 हो गया था, 24 भी हो गया था। उसके बाद 25 देख लेते हैं। स्ट्रिंग ऑफ 2 मीटर लॉन्ग मास इज दिस, इसका ज़रा बताएं बेटा आप लोग, बताएं मुझे इसका डेटा, रीड करें इसको। आयशा जी सर, एक स्ट्रिंग कितना है? 2 मीटर लॉन्ग है। मास 0.004 है। उससे पहले लेंथ भी तो है इसकी। क्वेश्चन नंबर 25। जी तो लेंथ है आपके पास 2 मीटर, मास ये किसका है? थ्रेड का मास है 0.004 किलोग्राम। स्ट्रेच बाय पासिंग वन एंड ऑफ अ पुली एंड अटैच 1 किलोग्राम ऑफ मास। अब देखें एक और मास आ गया, तो ये वो मास है जो कि इससे हैंग हुआ हुआ है, ये कैपिटल एम होगा। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड बतानी है आपने। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक एंड फिफ्थ हार्मोनिक, यानी क्या बताना है? एफ टू बताना है और एफ फाइव। क्लियर हुई बात? ये 2019 में आया है न्यूमेरिकल, 19 में, 16 में, 3 में, 2002 में, 10 में, 14 में, कई मतलब आ चुका है। तो यहाँ पे बेटा ये जो दूसरा मास आ रहा है वो मास है मास इन पैन, कि ये जो है जो इससे कोई मास इन पैन सस्पेंड हुआ हुआ है फिक्स सपोर्ट से और इसमें लूप्स बन रहे हैं। तो यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो ये है। अच्छा जी, तो बताएं कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हमें लेंथ पता है मास पता है, तो हम सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे इसकी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट टी अपॉन म्यू। टी यहाँ पर जो है वो कैपिटल एम जी के बराबर हो जाएगा क्योंकि सोनू मीटर का न्यूमेरिकल है ये, और म्यू बराबर हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ ऊपर आ जाएगी। एम जी एल अपॉन एम, ज़रा वैल्यूज रखिए और आंसर बताइए क्या आ रही है वेलोसिटी। जी के वैल्यू आप 9.8 लेंगे। फॉर एफ वन निकाल लेंगे फिर, और एफ टू, और एफ फाइव। हाँ भाई वेलोसिटी क्या आ रही? 4900। नहीं बेटा गलत आ रही है, दोबारा चेक करें। रूट नहीं लिया होगा आपने, 4900 का रूट लेंगे तो 70 आ जाएगा। जी सर, रूट नहीं लिया। हाँ तो ये चीज़ें नहीं भूला करें भाई, पूरा आंसर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। 70 मीटर पर सेकेंड ये आ गई। ठीक है जी, अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? कि एफ वन बराबर होती है वी अपाउन 2L के। तो V आ चुका है आपके पास 70 डिवाइड बाय 2L, L कितना है 2, तो यहाँ से आपका F1 आ जाएगा हर्ट्ज में। बताएं कितना आ रहा है?
17.5. सेवेंटीन पॉइंट फाइव आ रहा है। और एफ टू कैसे आएगा? एफ टू बराबर है टू एफ वन के, एफ टू टू एफ वन, और एफ फाइव बराबर हो जाएगा फाइव एफ वन के, फाइव एफ टू 35 है सर। ये 35 हर्ट्ज आ गया और ये कितना आ जाएगा? 87.5। क्लियर हो गई बात? आसान न्यूमेरिकल था, इसे कॉपी कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ये कॉपी हो जाए तो फिर बताएं मुझे, आगे बढ़ते हैं। ओके सर। तो 26 देखिए, स्टैंडिंग वेव पहले जुमले ने बता दिया कि न्यूमेरिकल किसका है, स्टैंडिंग वेव का है। इस्टेब्लिश हो रही है 1110 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग में, बोथ एंड से फिक्स्ड है। स्ट्रिंग वाइब्रेट इन फोर सेगमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें? F1 फोर सेगमेंट कह रहा है ये, नहीं F4 बेटा आके ध्यान से, वरना F1 लिख दिया तो फिर गया काम। फिर वो आगे पूछ भी रहा है फाइंड दी वेवलेंथ एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आपने वेवलेंथ बतानी है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है। चलिए अब वेवलेंथ कौन सी बतानी है? तो उसने बोला ही नहीं कि F4 की बतानी है कि लैम्डा 1 की बतानी है। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछिए तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाली ही वेवलेंथ निकाल देते हैं। चलें जी, डेटा ज़रा नोट कर लें आप लोग, मुझे बताएं वाइट बोर्ड पर। लेंथ 1110 है हमारे पास और F4 है 10 हर्ट्स। F1 2.5 हर्ट्ज आ रही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 26। तो आपके पास लेंथ है 1110 मीटर, F4 आ रही है 10 हर्ट्ज। और बताना क्या क्या है आपको? लैम्डा बताना है और F1 बताना है। तो फॉर F1 बेटा क्या करेंगे हम लोग? F4 बराबर हो जाएगी 4F1 के, तो F1 कितनी हो जाएगी? F4 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 4 कितनी आ जाएगी? 2.5। सिमिलरली लैम्डा, फॉर लैम्डा क्या निकाल, लैम्डा 1 निकाल लेते हैं। तो अगर एक लूप में वाइब्रेट करेगी बेटा ये, तो लेंथ बराबर होती है लैम्डा बाय 2 के। और अगर चार लूप में वाइब्रेट करती है ये, 1 2 3 4, तो लेंथ बराबर हो जाएगी 4 लैम्डा बाय 2 के, क्योंकि एक जो लूप होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 4 लैम्डा बाय 2 लिख दिया मैंने। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? लैम्डा का फॉर्मूला होता है लैम्डा एन का 2L/N, सही है? तो लैम्डा 1 के लिए क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा, 110 कितना आ जाएगा? 220 मीटर। और लैम्डा 4 के लिए कितना हो जाएगा?
टू एल टू अपॉन मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन हाँ तो हो जाएगा 2 × 110 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है 35 आ रहा है 55 आ रहा है सर। सही जी। तो मैं दोनों निकाल दिए क्योंकि कन्फ्यूजन थी कौन सी वेवलेंथ निकालनी उन्होंने कहा नहीं था। तो लैम्डा 4 पूछी थी उन्होंने सही है भाई क्योंकि फ्रीक्वेंसी लैम्डा 4 गिवन है उसके बाद उन्होंने फोन वेवलेंथ का जिक्र किया है तो जाहिर सी बात है लैम्डा 4 की वेवलेंथ पे जाएगी बात। लेकिन मैंने लैम्डा 1 भी निकाल दी ताकि मेरा मसला हल हो जाए। ठीक है जी। ये फॉर्मूला लैम्डा एन का है ये आप याद कर सकते हैं कि किसी भी लूप की लेंथ निकालनी है तो वो 2L/N के बराबर होती है। क्लियर है आगे बढ़ जाएं। जी क्लास आगे बढ़े मुझे बता दीजिएगा। जी सर। अच्छा जी सर इंटरेस्ट भी हो गया 27 देख लेते हैं हम। इनसे इन्होंने कह दिया सोनोमीटर का एक यही न्यूमेरिकल है। अच्छा जी क्या कह रहे हैं कि इन सोनोमीटर द लेंथ ऑफ 1 मीटर वायर प्लग फ्रॉम द सेंटर वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्स। कैलकुलेट द लेंथ एंड स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। बड़ा ही आसान सा न्यूमेरिकल है बेटा ये। ठीक कह रहे हैं कि एक जो है अगर हम एक वायर को बेटा सेंटर से प्लग करते हैं बात याद रखिएगा कि जब भी हम किसी वायर को अगर मैं इसको सेंटर से डिस्टर्ब करूँगा सेंटर से डिस्टर्ब किया तो ये वन लूप में वाइब्रेट होता है। ये बात याद रखिएगा सेंटर से किया होगा डिस्टर्ब। तो यहाँ पे जो दे गिवन है बातें सारी वो किसकी हैं जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये F1 गिवन है आपको। F1 गिवन है लेंथ गिवन है वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है और स्पीड भी निकालनी है आपको। बढ़े आगे। जी सर। तो लेंथ कितनी थी भाई तो ये हमें कैसे पता चला कि वन फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर है कि इसको सेंटर से प्लग किया गया है। सेंटर से अगर आप प्लग करेंगे इसको तो वो वन लूप में वाइब्रेट होगा वन लूप। वेलोसिटी बतानी है और क्या बतानी है स्पीड बतानी है और वेवलेंथ बतानी है। तो बेटा फॉर वेलोसिटी एंड फॉर लैम्डा 1। अच्छा जी तो फ्रीक्वेंसी F1 गिवन है तो F1 का फॉर्मूला क्या होता है V/2L। यहाँ से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 2L F1। अब लैम्डा 1 निकालना है आपको तो लैम्डा 1 के लिए आप दो फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। वेलोसिटी बताइए क्या आ रही है सर 2L1 के बराबर है और F1 कितना है 250 तो 250 को 200 करेंगे तो ये 500 हर्ट्ज आ जाए m/s। क्लियर है जी। जी सर। अब लैम्डा के लिए दो फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं तो आप ये कर लें कि V=F लैम्डा होता है। ठीक है तो
तो वेलोसिटी तो वही रहेगी, एफ वन लैम्डा वन हो जाएगा। यहाँ से निकाल लें लैम्डा वन आप, तो लैम्डा वन कितना हो जाएगा, वी अपॉन एफ वन, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या है कि लैम्डा का फार्मूला क्या होता है, टू एल अपॉन एन। तो अगर लैम्डा वन निकालना है तो हो जाएगा टू एल अपॉन वन हो जाएगा। जिससे निकालना चाहे निकाल लें आप, लैम्डा वन आपके पास कितना आ रहा है, 500 डिवाइडेड बाय 252 आ जाएगी वेवलेंथ। और यहाँ से निकाल लें, टू एल एल वन के बराबर है डिवाइड बाय वन, तो ये भी 2 मीटर आ गई। सही है जी। तो लैम्डा वन आप चाहे तो इस फॉर्मूले से निकाल लें, वेव के वी इजिकल टू एफ लैम्डा, वरना दूसरे से निकाल लें। हाँ बेटा सो जल्दी कॉपी कर लें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 28 देखते हैं। ये भी बहुत आता है एग्जाम में और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आता है। इसमें जो बेटा ये वाली बात है ना, ये ग्राम पर मीटर, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक गिटार स्ट्रिंग है जो कि वाइब्रेट हो रहा है, इसकी लीनियर डेंसिटी जो है वायर की वो कितनी है, 7.16 ग्राम पर मीटर। ग्राम का मतलब मास और मीटर का मतलब लेंथ, यानी कि आपको मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, म्यू गिवन है। अंडर अ टेंशन ऑफ 152 न्यूटन फिक्स सपोर्ट स्ट्रिंग आर 89.4 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि उसकी लेंथ गिवन है। इट वाइब्रेट इन थ्री सेगमेंट, कैलकुलेट द स्पीड, वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी। अगर ये तीन सेगमेंट में वाइब्रेट करता है तो बताइए इसकी क्या आएगी, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुई बात? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, लीनियर डेंसिटी। बड़े मतलब सर इसमें म्यू म्यू जो है मैं पूरा दे दिया है लेकिन। हाँ, लेकिन म्यू को कन्वर्ट करना होगा, ऊपर किलोग्राम में करना पड़ेगा हमें, पर ग्राम यूनिट अच्छा। एक आध दफ़ा ये पता है ग्राम पर सेंटीमीटर में भी आया था, तो ऊपर आपको किलोग्राम करना था, नीचे आपको सेंटीमीटर को मीटर में भी करना था, तो वो बड़ा टफ हो गया था, बच्चे कन्वर्जन में बहुत मिस्टेक्स हुई थी, सॉरी। बहरहाल तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो बेटा इसमें हमें 28 में म्यू गिवन है 7.16 ग्राम पर मीटर, और टेंशन गिवन है 152 न्यूटन, फिक्स सपोर्ट है, लेंथ कितनी गिवन है आपको, 89.4 सेंटीमीटर, वाइब्रेट कर रहा है थ्री सेगमेंट में। अगर तो बताएं इसकी स्पीड तो वी ही रहेगी, लैम्डा 3 बताएं और F3 बता दीजिए। ये मैंने इसका डेटा लिख दिया है। तो बेटा ग्राम को जब हम किलोग्राम में करेंगे तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दें, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें एक्सपोनेंट -3 से, तो 1 किलोग्राम पर मीटर हो जाएगा। अगर 1/1000 लिख रहा हूँ ना, 1/1000 का मतलब क्या हो गया, 1/10 की पावर 3, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3।
क्लियर हुई बात? इसमें कोई प्रॉब्लम? दोबारा रिपीट कर दो। बेटा इसको 1000 से डिवाइड करना था ना, 1000 से इसको मैंने डिवाइड किया। जब भी डिवाइड बाय 1000 होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो 1/10 की पावर 3, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 होता है ना बेटा। तो 10 की पावर कितनी जी हो गई? सर, 1 1 1 10 की पावर 3 हो गई। अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -3। तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड जी करते सर, हैं या 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं? दोनों का मतलब एक ही होता है। आप अगर डिवाइड भी कर देंगे तो इसमें आपका ये हो जाना है। जाएगा आंसर, 0.00716 kg आ जाएगा। सबका आंसर इसमें लेंथ भी चेंज होगी मीटर में। नहीं, लेंथ मीटर में ही गिवन है, लेकिन एक मरतबा सवाल आया था जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में थी, इसी में। नहीं, जो उसकी स्ट्रिंग की हाँ लेंथ ये थी होगी मीन्स। कन्वर्ट। तो ये कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाय 100.894 0.894 मीटर। ठीक है जी, तो बताइए बेटा आप कैसे करें इसको। सबसे पहले मेरे ख्याल से आप वेलोसिटी निकाल लें, उनका डेटा वेलोसिटी के लिए पूरा परफेक्ट है। बी का फॉर्म वही। हाँ, तो फॉर वी, वी बराबर है T/μ। टी गिवन है लेकिन म्यू आपको जो म्यू भी गिवन है तो रख दीजिए वैल्यू। टी कितना है? 152 न्यूटन। और ये कितना है? 7.16 exponent -3। तो मीटर पर सेकंड में ये आ जाएगी वेलोसिटी। 145.7। अच्छा जी, अब क्या करें? अब F3 या λ3 कैसे निकालें? चलिए λ3 भी आप निकाल सकते हैं चाहें तो। λ3 कैसे आ जाएगा कि फॉर λ3, n बराबर 12 होता डिवाइड है बाय 3। 12/n, तो ये हो जाएगा 12/3 हो जाएगा। तो यहाँ से λ3 आ जाएगा आपके पास मीटर में। फॉर F3 0.596। 0.59, तकरीबन 6 लिख देते हैं, 0.6 आ गया। ठीक है जी, तो 0.6 मीटर इसका आंसर आ गया। अब F3 के लिए क्या करें? सर पहले F1 निकालेंगे, V डिवाइड बाय 12 हाँ, वैसे करके। आप चाहें तो F3 यहाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे V इज इक्वल टू F λ फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वेव का फार्मूला होता है। तो V, ये F3 λ3 दोनों चीज़ें हैं आपके पास, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि पहले आप क्या निकालेंगे? फॉर F1 निकालेंगे। F1 कैसे आएगा? V/12L। तो F1 आ जाएगा आपके पास हर्ट्स में। ज़रा बताएंगे क्या आ रहा है? एटी वन पॉइंट फाइव 81.5। तो F3 कैसे आ जाएगा? 3F1। एटी वन पॉइंट फाइव को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, टू फोर फोर पॉइंट फोर 244.4। ठीक है भाई, तो ये बेटा हमारे ऑसिलेट्स के स्टैंडिंग वेव्स के सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, 244.4। अच्छा, एक न्यूमेरिकल रह गया, ये मैं करा देता हूँ आपको। ये भी अक्सर आया था, है ये पैरामेट्रिक प्रॉब्लम है। आगे बढ़ें,
कॉपी कर लें पहले आप लोग उसको। ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इम्पोर्टेंट भी है सवाल बेटा। जी सर। समझ आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को पढ़ने का मुझसे या नहीं? सर हो रहा है। जी जी चैप्टर 8 के लेक्चर तो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन 9 10 के नहीं करूंगा शेयर। ट्वेंटी थ्री रह गया है ना सर। जी चलें 23 पे आ जाएं। बेटा ये पैरामेट्रिक प्रॉब्लम कहलाती है। इसमें आपको जो है ना वैल्यू वो उस तरह से गिवन होती है कि एक चीज़ को हम अगर ट्वाइस करें तो दूसरी चीज़ पे क्या फ़र्क आएगा। तो इसको करने का तरीका देख लीजिए पहले, क्या कह रहे हैं। इफ़ द टेंशन द स्ट्रिंग इज़ डबल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन ट्रांसस्टेंडिंग वेव। क्वेश्चन 23, इसको देखें ऐसे करने का तरीका। वैसे तो आप डायरेक्ट कर लें इसको कि वी जो है हमारे पास अंडर रूट टी अपॉन म्यू होता है। तो कह रहे हैं अगर टेंशन जो है वो ट्वाइस हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी। टेंशन अगर ट्वाइस होगी तो बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट टू हो जाएगी। ये हमें डायरेक्ट नज़र तो आ रहा है, लेकिन हम इस तरह लिख नहीं सकते। जी अंडर रूट का मतलब 1.41 टाइम्स हो जाएगी। तो हमें इसको एक प्रॉपर फॉर्म में सॉल्व करना पड़ता है। अब ये देखते हैं इसका डेटा बनाया। सबसे पहले पैरामेट्रिक प्रॉब्लम कहलाती है। तो इसमें कह रहे हैं कि डेटा कि टेंशन जो है, नई टेंशन जो है स्ट्रिंग की वो कितनी है, ट्वाइस है ओरिजिनल टेंशन की। तो यहाँ पे जिस पे हम प्राइम लगाते हैं ना वो न्यू वेरिएबल होता है। इसका मतलब क्या होता है, न्यू टेंशन और टी का मतलब क्या है, ओरिजिनल टेंशन। तो टी क्या कह रहे हैं कि नई टेंशन कितनी आ रही है, ओरिजिनल टेंशन की ट्वाइस आ रही है। तो बताइए कि नई वेलोसिटी कितनी आएगी, और बाकी वेरिएबल टेंशन के अलावा क्या बचा, वी इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू, अदर वेरिएबल आर कॉन्स्टेंट, अदर वेरिएबल कौन है, म्यू कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसके सोल्यूशन में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम इसका जो जनरल फार्मूला है वो लिखते हैं। सोल्यूशन, सिंस वी इज इक्वल टू टी अपॉन म्यू के बराबर है, ये ओरिजिनल फार्मूला है। ये क्या है, इसकी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल वेलोसिटी। फिर हम लिखेंगे न्यू वेलोसिटी, न्यू वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ वेव वी प्राइम बराबर हो जाएगा बेटा अंडर रूट टी प्राइम डिवाइडेड बाय म्यू। देखिए मैंने प्राइम किस किस पे लगाया है, प्राइम मैंने कॉम्प्लीमेंट साइन उस पे लगाया है, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है और टेंशन चेंज हो रही है, बाकी वेरिएबल कौन है, म्यू, म्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ दो वेरिएबल में फ़र्क आता है, एक को चेंज करते हैं और दूसरे पे उसका इम्पैक्ट देखते हैं। बात यह हुई, तो ये ओरिजिनल फार्मूला है, ये ओरिजिनल वेलोसिटी है स्ट्रिंग की जो वेव बन रही है, ये न्यू वेलोसिटी होगी। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? जी सर। और हमें आंसर ओरिजिनल वेलोसिटी की शक्ल में देना होता है। मुझे आंसर अपना देना वो इसकी शक्ल में देना हो कि वी कितना आ रही है, वी। तो बेटा डेटा से वैल्यू दें, पुट वैल्यू ऑफ टी
क्या हो जाएगा ये? वी प्राइम इज इक्वल टू टी की जगह क्या आ गया बेटा, टू टी आ गया डिवाइड बाय मी। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये इस इक्वेशन को वन से कंपेयर कराऊँगा। तो बेटा यहाँ पे ये टी अपॉन म्यू है, टी अपॉन म्यू के साथ इजाफी चीज़ कौन आई, टू आई है, तो मैं इनको अलग करके लिख दूँगा। मैं इसको लिख सकता हूँ कि अंडर रूट टू मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन म्यू। इससे हुआ क्या कि मुझे पता है कि ये चीज़ टी अपॉन म्यू किसके बराबर है, ओरिजिनल वेलोसिटी के बराबर है। तो फ्रॉम वन वी कैन राइट के वी प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट टू टाइम्स, और ये किसके बराबर है, वी के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि नई वेलोसिटी जो है वो 1.41 टाइम्स हो जाएगी ओरिजिनल वेलोसिटी का। ये इसका सोल्यूशन होता है, आंसर। यूं भी आंसर लिख सकते हैं आप, यूं भी आंसर लिख सकते हैं, एग्जाम में आता है, एमसीक्यूज में भी आता है, ये सवाल काफ़ी आता है एग्जाम में। क्लियर हो गई बात? तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी। नई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल वेलोसिटी थी ट्रांसवर्स वेव की, उसका 1.41 टाइम हो जाएगी। अंडर रूट टू देखें 1.42 आ रहा है, 1.412 आ रहा है। सही है जी। तो बेटा आज हमारे इसके सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, तकरीबन 28 न्यूमेरिकल कर लिए हमने इस चैप्टर के। अभी डॉपलर इफेक्ट है, बस एक ही डॉपलर इफेक्ट ही रह गया है, और न्यूटन्स फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड रह गया। ये सर वो हाँ स्पीड ऑफ साउंड वाले भी बीच में से रह गए ना। हाँ ये अभी टॉपिक आया नहीं ना, हम पढ़ेंगे आज, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। अच्छा जी, तो बेटा मैं आ रहा हूँ, न्यूटन फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अब हम साउंड का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। साउंड के पोर्शन में तीन टॉपिक हैं, एक तो न्यूटन फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड है, एक आपके पास जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूज़िकल साउंड है, और तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है डॉपलर इफेक्ट, लेकिन ये लास्ट ईयर आ चुका है। बीट्स का टॉपिक भी है, लेकिन ये बहुत आता नहीं एग्जाम में। डॉपलर इफेक्ट मतलब सर इन तीन टॉपिक के बाद में चैप्टर खत्म, चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा बेटा। डॉपलर इफेक्ट के 6 केसेस हैं, और फिर ये मार्क नंबर होता है, इस पर भी बस एमसीक्यूज की हद तक आते हैं एग्जाम में, इससे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। चलिए न्यूटन्स फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड कर लेते हैं आज, उसके न्यूमेरिकल देख लेंगे, ताकि आपके जो है वो चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल भी काफ़ी हद तक कवर हो जाए। अच्छा बेटा, ये न्यूटन्स फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड पे हम आते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक है ये। सबसे पहले साउंड की बात करते हैं। साउंड वेव बेटा हमारे पास क्या होती हैं, साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव है, यानी कि दैट डिपेंड्स ऑन दी मीडियम। अगर मीडियम होगा, मीडियम का मतलब एयर, गैस, मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अगर साउंड एक मैकेनिकल वेव है जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेटिंग बोर्ड, जैसे मैं अगर उस बोर्ड पे डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने ये की, तो व्हेनेवर कभी कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो वहाँ पे बेटा साउंड क्रिएट होती है। हम जब बात करते हैं तो हमारे गले का जो वोकल कॉर्ड होता है वो इस तरह से वाइब्रेट होता है, वो वाइब्रेट होता है तो हमारे जो माउथ में एयर भरी हुई होती है वो वाइब्रेट होती है, नतीजे में कंप्रेशन रेयरफैक्शन की फॉर्म में वेव आगे जनरेट होती है।
ये देखें, दिखाया भी था मैंने आपको, ये ट्रांसफर रेट चल रही है। disturbance that makes up the wave is along the direction in which देखें longitudinal wave, लॉन्गिट्यूडल the वेव। disturbance that makes up the wave is along the direction in which the wave travels. अब देखें, जहाँ ये वेव, ये जो जहाँ पे इसके पार्टिकल्स कंप्रेस हो रहे हैं ना, इस रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं। ये रीजन पूरा कंप्रेशन बना हुआ है। यहाँ देख रहे हैं स्प्रिंग के जो थ्रेड्स हैं करीब आए हैं। ये रीजन में देखें आप, स्प्रिंग के थ्रेड्स दूर हुए हैं, इसको हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। तो वेव को जाना भी इसी तरफ है और वेव के जो पार्टिकल्स यानी मीडियम के पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं, वो भी इसी तरीके से कर रहे हैं। Longitudinal waves are also referred to as compression waves. तो इसलिए इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं और कंप्रेशन वेव भी कहते हैं। In a transverse wave, the ट्रांसवर्स disturbance वेव that में makes डिस्टर्बेंस अप एंड डाउन होती है, और वेव को जाना तो आगे, लेकिन उसमें पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, लेकिन वेव जा कहाँ रही है, आगे जा रही है। If the wave is perpendicular to the direction in which the wave travels. क्लियर हो गई बात? कल मैंने आपको ये बताया भी था पहले। जी सर। अच्छा जी, तो हम आते हैं बेटा न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। So I've got my essay written and I've been working on it for about a week. So now I'm going to show you how I use Grammarly to edit. Okay, so here's my अच्छा बेटा, चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो साउंड वेव की डेफिनेशन डेफिनेशन तो नहीं आती एग्जाम में, बस इसका ये आती ही बातें, ये बात है कि मैकेनिकल वेव है और प्रोड्यूस होती है, उसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कंप्रेशन है, रेयरफैक्शन। जब भी कोई मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हम करते हैं तो साउंड ट्रैवल करती है, और साउंड की रफ्तार सबसे ज़्यादा किस में होती है बेटा? सॉलिड में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम, क्योंकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा करीब होते हैं तो एनर्जी जल्दी ट्रैवल कर पाती है, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं तो सॉलिड के बस स्लो होती है, गैस में मॉलिक्यूल्स और दूर होते हैं तो वो और स्लो मूव करती है। तो हमारे पास ट्रांसफर वेव इस तरह की थी, ये ट्रांसफर वेव थी, इसमें क्या पाया जाता था बेटा? क्रेस्ट पाया जाता था, और क्या पाया जाता था? ट्रफ। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक के फासले को हम लैम्डा वेवलेंथ कहते थे, या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक के फासले को हम क्या कहते हैं? लैम्डा कहते थे। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जब ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होता है इस तरीके से, तो मीडियम को इस तरह से डिस्टर्ब कराता हुआ जाता है। ये मान लीजिए मीडियम है, साउंड यहाँ ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे देखें पार्टिकल्स करीब आ गए, यहाँ दूर है, यहाँ करीब आ गए, यहाँ दूर है, यहाँ करीब आ गए, फिर यहाँ दूर है। तो इसको बेटा कहते हैं कंप्रेशन, 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 और जहाँ दूर है उसको रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन। अब यहाँ पे वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? यहाँ पे वेवलेंथ आएगी कि एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक के फासले को हम कहते हैं लैम्डा, एक रेयरफैक्शन से दूसरे रेयरफैक्शन के फासले को हम क्या कहते हैं? लैम्डा। ये बात याद रहेगी, सही है? ये बात क्लियर हो गई? ये गैस के मॉलिक्यूल्स और एटम बने हुए हैं। बेटा मैंने बताया कि गैस के मॉलिक्यूल जब ट्रैवल करती हैं एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स में से, ऐसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी एयर जो आपको मेरी साउंड जो आ रही है वो क्यों आ रही है? कि वो गैस, वो एनर्जी इस तरीके से ट्रैवल करती है, जो मेरे साउंड एनर्जी है वो कैसे ट्रैवल करती है कि मॉलिक्यूल्स को एक जगह कंप्रेस करती है, फिर रिलैक्स कर देती है, फिर कंप्रेस करती है, फिर रिलैक्स करती है, लेकिन ये कंप्रेस रिलैक्स करते हुए ये आगे जाती है,
देखने जा आगे रही एनर्जी। तो शुरू में गैस के मॉलिक्यूल को कंप्रेस करेगी, फिर रिलैक्स कर देगी, फिर कंप्रेस करेगी, फिर रिलैक्स कर देगी, फिर कंप्रेस करेगी, रिलैक्स कर देगी और आगे बढ़ती जाएगी। तो ये जो सी जहाँ पे मॉलिक्यूल्स करीब आए हैं इसको हम कंप्रेशन कहते हैं, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर आए हैं इसको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, इन्हीं बात का यहाँ पे जिक्र आ रहा है, ये जो आ रहा है वर्ड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। क्या प्रोड्यूस होती है कि जब मीडियम में से एनर्जी ट्रेवल करती है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पार्टिकल्स में बनते हैं मीडियम में, ट्रेवल थ्रू मीडियम। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। क्लियर है बात जी आयशा? जी सर। और ट्रांसवर्स वेव में क्या बनते हैं? क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। ये दो बातें याद रहेंगी, एक ट्रांसवर्स वेव बनाई ऊपर, ये वो है लॉन्गिट्यूडनल या साउंड वेव है हमारे पास, ठीक है? क्योंकि सारी कहानी यहीं से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से शुरू होगी, न्यूटन फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। गौर से सुनिएगा इसको। तो बेटा न्यूटन ने इसके बारे में कहा था कि स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव, कोई भी जो ऐसी वेव जो मीडियम पे डिपेंड करती है मैकेनिकल वेव, उसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है हमारे पास? ई इज इक्वल टू इलास्टिसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है? और अगर कोई चीज़ एयर में से ट्रैवल करती है तो हम इलास्टिक सिटी को बल्क मॉडुलस से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की बात आएगी कि न्यूटन ने इसके बारे में क्या कहा। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। तो बेटा न्यूटन ने कहा था कि सबसे पहले उसने बात की कि भाई जो वेलोसिटी होती है किसी भी वेव की मैकेनिकल में, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव, MW लिख रहा हूँ मैकेनिकल वेव को, वो क्या होती है? V इज इक्वल टू अंडर रूट E अपाउंड डेंसिटी। ये डेंसिटी लिखा है नीचे मैंने। E का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी, सॉलिड मीडियम। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि साउंड जो है वो कहाँ ट्रैवल कर रही है बेटा? एयर में ट्रैवल कर रही है। तो एयर क्या है हमारे पास? गैस है, सॉलिड नहीं है। तो उसमें ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? उसमें इलास्टिक सिटी की जगह बल्क मॉडुलस आता है, बट फॉर गैस या एयर ई इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास बल्क मॉडुलस के। तो फॉर्मूला बन जाएगा वी इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन डेंसिटी। क्लियर है बात यहाँ तक जी भाई? इसमें कोई किसी को मसला? बल्क मॉडुलस क्या है? बल्क मॉडुलस बेटा एक रिजिडिटी होती है मटेरियल की। इलास्टिसिटी नहीं पढ़ा आप लोगों ने? जैसे एक स्केल है, ये कितना जो है वो स्ट्रेच हो सकता है अगर मैं इसको यूं बैंड करूं, या एक रबर बैंड को मैं कितना स्ट्रेच कर सकता हूं, उसकी इलास्टिक लिमिट कितनी है, उसके बाद वो टूट जाएगा। तो वो हम इलास्टिसिटी से निकालते हैं। और बल्क मॉडुलस क्या होता है कि अगर ये इलास्टिसिटी हम चेक करें कि इसमें एयर के मॉलिक्यूल में, किसी गैस के मॉलिक्यूल्स में, किसी गैस सिस्टम में, तो वहाँ इलास्टिक सिटी नहीं बल्क मॉडुलस कैलकुलेट किया जाता है। सॉलिड में इलास्टिक सिटी चलता है और गैस में बल्क मॉडुलस चलता है। देखिए बेटा ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें फार्मूले हमें डायरेक्ट लिखने होंगे। ये फार्मूले कहाँ से हैं हमें ये कहानी नहीं बतानी, थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक है ये। डेरिवेशन वैसी नहीं कि आप ए टू जेड आपको हर स्टेप पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है इसमें। इसमें हम कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूटन ने ये बताया था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम उसी को यहाँ पर बस
शेयर करेंगे। क्लियर हुई बात? जी सर। ठीक है जी, तो ये तो हो गई बात, सही है। अब इसके बाद जो अहम बात आ रही है, ये बात एक कॉमन थी, कोई भी मैकेनिकल वेव है उसका फॉर्मूला ये होता है, अगर वो वेव सॉलिड में ट्रैवल करती तो ई अपॉन डेंसिटी, वो वेव ट्रैवल कर रही है किसी गैस में तो वो बी अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, बल्क मॉडुलस। अब न्यूटन ने कहा था कि ये जो कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन जो हो रहे हैं, एक वेव के अंदर जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो बन रहे हैं, तो वहाँ पे होगा क्या? उसने कहा कि कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्रेस्ड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? कंप्रेस्ड हो रहे हैं, और रेयरफैक्शन में मॉलिक्यूल रिलैक्स्ड हो रहे हैं। तो उसने ये कहा कि ये प्रोसेस जो है वो क्या होगा? आइसोथर्मल होगा। क्या होगा? आइसोथर्मल होगा। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अभी आइसोथर्मल की बात क्या होती है? न्यूटन ने कहा था कि कंप्रेशन रेयरफैक्शन में इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? कि वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इस थ्योरी को मानते हुए न्यूटन ने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो उसने वहाँ पे बॉयल्स लॉ अप्लाई कराया, और बॉयल्स लॉ को अप्लाई करने के बाद जब उसने बल्क मॉडुलस कैलकुलेट किया, तो बल्क मॉडुलस विल बी इक्वल टू प्रेशर के बराबर आ गया था। प्रेशर ऑफ गैस तो पुट इन वन, तो वेलोसिटी क्या बन गई थी हमारे पास? पी ओवर डेंसिटी के बराबर आ गई थी। ये न्यूटन ने फॉर्मूला बना के दिया था कि अगर आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है किसी भी एयर में, गैस के मीडियम में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? कि उस गैस का प्रेशर कितना है डिवाइड बाय डेंसिटी, तो आपको उसके मीडियम की साउंड की वेलोसिटी मिल जाएगी। दोबारा सुन लीजिए क्या कहानी थी। सबसे पहले इसमें कहा गया था, न्यूटन ने बताया था कि भाई मैकेनिकल वेव का फॉर्मूला, कोई भी मैकेनिकल वेव होती है उसकी स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कि वो वेव किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, उस मीडियम की डेंसिटी क्या है। अगर वो गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो गैस में इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस से रिप्लेस हो जाता है बी अपॉन डेंसिटी। ये फॉर्मूला बन गया, ये क्वेश्चन वन है, ये सेम रहेगी। फिर न्यूटन ने बल्क मॉडुलस निकालने के लिए एक थ्योरी अप्लाई की कि ये प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब भी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो बन रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जब उसने वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और बल्क मॉडुलस को कैलकुलेट किया, इसको बी को जब कैलकुलेट किया, तो बी किसके बराबर आ गया था बेटा? प्रेशर के। इसको उसने कहाँ रख दिया? क्वेश्चन नंबर वन में। और जब इस इक्वेशन से न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया, तो उसका आंसर आ रहा था कितना? 280 मीटर पर सेकेंड, और जो के असल आंसर से 332 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए था। तो इसमें तकरीबन 16% एरर आ रहा था। कितना आ रहा था? 16% एरर आ रहा था सर। मतलब असल 332 थी और उसकी 280 आ रही थी जी। 332 रियल थी और न्यूटन की आई थी 280, मतलब करीब है, लेकिन फिर भी एरर 16% काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे फिर न्यूटन के फॉर्मूले को रोक दिया गया कि भाई न्यूटन ने जो ये थ्योरी पेश की है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो बन रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ये थ्योरी में कुछ कमी है। इस थ्योरी में क्या है बेटा? कुछ कमी है। और इक्वेशन वन के बाद जो उसने बल्क मॉडुलस कैलकुलेट किया वो सही नहीं किया है, कुछ कमी रह गई है। फिर इसको करेक्ट किया एक लेप्लास नामी साइंटिस्ट ने। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? जी सर।
फिर इसको बेटा करेक्ट किया लेप्लास नामी साइंटिस्ट ने। लेप्लास ने क्या कहा, ये आ जाएगा लेप्लास करेक्शन। लेप्लास ने क्या कहा कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन दैट फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस बट एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिसमें एनर्जी क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे। फिर उसने इस बात की, वो कीस ने कहा कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो बनेंगे वहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। और ये बात उसकी लॉजिकल भी थी, क्योंकि वो कह रहा था कि कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ रहे हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल बेटा करीब आते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हाई होगा कंप्रेशन का, और जहाँ मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा रेयरफैक्शन का। इस थ्योरी को अप्लाई करके जब लेप्लास ने बल्क मॉडुलस कैलकुलेट किया तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आई प्रेशर मल्टीप्लाई बाय गामा। अब ये गामा क्या होता है, ये गामा जो है वो सी पी अपॉन सी वी का रेशो होता है, जिसकी वैल्यू 1.4 आती है एयर के लिए। ये थोड़ा सा चैप्टर 11 सेकेंड ईयर में जो पढ़ेंगे उससे मैच होता है। सी पी का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी का मतलब क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बहरहाल आपने बस इस बात पे गौर करना है कि उसने कहा कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो बनेंगे वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, हाँ वहाँ एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसलिए इसने इस प्रोसेस को आइसोथर्मल की जगह क्या कहा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब एनर्जी कांस्टेंट, इस प्रोसेस का नाम होता है। सेकेंड ईयर में आप तफसील से पढ़ेंगे। इस बेस पर इसने जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट की बेटा वो कितनी आई, बी इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय गामा। इसको उसने कहा दिया पुट इन वन, कोई जो इक्वेशन बनती है हमारे पास प्रेशर अपॉन डेंसिटी। तो जब इसने इसको यहाँ रख दिया वन में तो फॉर्मूला क्या बन गया, V इज इक्वल टू अंडर रूट B की जगह का P गामा डिवाइड बाय डेंसिटी। ये फॉर्मूला बनाया जनाब लेप्लास साहब ने, इससे जो रिज़ल्ट आया वो 100% करेक्ट आया, मैच विथ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये है भाई हमारे पास न्यूटन्स फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड और लेप्लास का करेक्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, नहीं सर? दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहले न्यूटन ने जो है वो इक्वेशन बनाई मैकेनिकल वेव की, ठीक है, और फिर कहा कि किसी भी, हमें स्पीड निकालना चाह रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड किस में, एयर में। तो न्यूटन ने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला मैकेनिकल वेव में होता है इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। इलास्टिसिटी सॉलिड में रखी जाती है, लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो वहाँ पे इलास्टिसिटी को बल्क से रिप्लेस कर जाते हैं, बल्क मॉडुलस से। बल्क मॉडुलस की वैल्यू जब न्यूटन ने कैलकुलेट की इस प्रोसेस को आइसोथर्मल मानकर, तो वो किसके बराबर आई, प्रेशर के बराबर आई,
इसको जब उसने इक्वेशन वन में रखा दैट वेलोसिटी विल बिकम अंडर रूट पी अपॉन डेंसिटी. इससे जो रिजल्ट आया वो 280 आया, जो कि इसमें 16% एरर था, 100% ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं आ रही थी. इसको फिर करेक्ट किया लेप्लास नामी साइंटिस्ट ने, जिसने कहा कि ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का मैकेनिज्म है या जो साउंड ट्रेवल करती है मीडियम से, ये आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस है. इसमें एनर्जी कांस्टेंट रहेगी लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा. उसने बताया कि टेम्परेचर कंप्रेशन पर ज़्यादा होगा और रेयरफेक्शन पर कम होगा, क्योंकि कंप्रेशन पर गैस कंप्रेस्ड होती है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब रिलैक्स्ड होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा. ये थ्योरी मानकर, एडियाबैटिक मानकर, जब लेप्लास ने बल्क मॉडल्स की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय गामा के बराबर आ गई. गामा एक कांस्टेंट वैल्यू है सी पी अपॉन सी वी की, इसमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको. इसको जब उसने इक्वेशन वन में रखा बल्क मॉडल्स की जगह तो पी गामा अपॉन डेंसिटी बन गया फॉर्मूला. इससे वैल्यू 100% करेक्ट आ गई. ये इसकी पूरी समरी है. बस इतना ही होता है. इसके बाद इसमें देखें पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है सारी कहानी चल रही है. अब इसको आप रीड कर लीजिएगा बेटा अच्छे तरीके से, ठीक है. तो न्यूटन ने बल्क मॉडल्स किसके बराबर बनाया, प्रेशर के बराबर. इसको क्वेश्चन नंबर वन में जब रखा तो पी अपॉन डेंसिटी बन गया. इससे वैल्यू में कुछ एरर आया. फिर लेप्लास साहब ने इसको करेक्ट किया ये मान के कि ये जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा. टेम्परेचर हाई होगा कंप्रेशन पर और लो होगा रेयरफेक्शन पर. इस बात को मानते हुए उन्होंने लिखा कि बल्क मॉडल्स गामा प्रेशर के बराबर आएगा. इन्होंने क्वेश्चन वन में रख दिया गामा प्रेशर को, जिससे वैल्यू 100% क्या आ गई, सही आ गई. अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, इसके इस फॉर्मूले को जो लेप्लास ने बनाया है इसको इन टर्म ऑफ टेम्परेचर लिखना है. और ये छोटे से स्टेप हैं और ये इम्पोर्टेंट बात है बेटा कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर. तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ा दें तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि प्रेशर अपॉन डेंसिटी का रेशो जो है वो कांस्टेंट रहता है. अगर बेटा हम किसी गैस का प्रेशर बढ़ा दें तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है. वॉल्यूम कम होने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो प्रेशर बढ़ाने पर नीचे डेंसिटी भी बढ़ जाती है, तो उनका रेशो ऑलमोस्ट सेम रहता है. तो इसलिए इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर से साउंड की रफ्तार पे कोई फ़र्क नहीं आता, ऑल्दो के फॉर्मूले में प्रेशर नज़र आ रहा है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज़ में आती है. चेंज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड. अच्छा जी हाँ, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो तो हाँ, डेंसिटी अगर से आप बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, फॉर्मूले से देख सकते हैं आप. इसको जरा सा रीड कर लीजिएगा, ह्यूमिडिटी से क्या होगा इस पर भी फ़र्क पड़ जाएगा. और बेटा अगर मैं अगर बात कर रहा हूँ आपसे और सामने से अगर हवा चल रही तो जाहिर सी बात है मेरी आवाज़ की रफ़्तार कम हो जाएगी. इतनी लॉजिक तो आप लोगों के माइंड में भी होगी कि अगर विंड चल रही हो तो साउंड की रफ़्तार पे फ़र्क पड़ता है. ठीक है, तो मैं बस आपको अब ये जो है फॉर्मूले बता देता हूँ कि हमने जो है ये तो कैलकुलेट कर लिया. अब हम बस क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रेशर की जगह टेम्परेचर को लाने की कोशिश करें. एग्ज़ाम में डेरिवेशन यहाँ तक आती है, इधर तक बस यहाँ पे एंड हो जाती है. लेकिन बेटा अगर वो कहे कि ऑल्सो राइट इन टर्म ऑफ टेम्परेचर तो फिर आपको यहाँ तक काम करना पड़ेगा. क्लियर है बात? कॉपी करना है कुछ? कॉपी करना है बेटा आपको ये? हेलो सर, आपकी आवाज कट रही है. हाँ मैं कह रहा हूँ कॉपी करना है आप लोगों को. सर एक सेकंड रुक जाए.
ये फर्स्ट पेज नहीं है, फर्स्ट पेज ही है, ये रफ स्केच है बेटा, याद आपने वहीं से करना होगा, डेरिवेशन या से मैं रफ स्केच बताया है, याद नोट से करना होगा आपने, ठीक है? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। जी सर, कर लिया कॉपी। तो अब स्पीड ऑफ साउंड को मैं इन टर्म ऑफ टेम्परेचर बता दूं आप लोगों को, ताकि फिर कल हम इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर डॉपलर इफेक्ट पे आ जाएंगे। सर आप नोट्स ग्रुप पे शेयर कर देंगे? नोट्स मैंने शेयर किए थे ग्रुप पे, दोबारा कर दूं? चलें मैं कर जी सर, देता हूँ। करें। चलें अब ये इफेक्ट ऑफ ये कर लें हम इस फॉर्मूले में, जो है बेटा क्या करेंगे आप, बस वो लेके आ जाएंगे इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे प्रेशर की जगह मैं टेम्परेचर ले आऊँगा, ठीक है? अच्छा जी, ताकि ये टॉपिक हमारा आज ख़त्म हो जाए। तो वेलोसिटी इन टर्म ऑफ टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड इन टेम्परेचर फॉर्म। तो बेटा हमारे पास जो लेप्लास का फॉर्मूला बना था वो ये बना था, प्रेशर इनटू गामा। तो हमें पता है कि फॉर आइडियल गैस, हम आइडियल गैस मान लेते हैं, आपको पता है पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? जी ठीक है जी। और इस सर, इक्वेशन को मैं इक्वेशन टू का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन टू एक न्यूटन वाली आई थी, उसमें एरर था, तो इसको हम इक्वेशन टू प्राइम कह दें या टू कह दें, जो भी मर्जी आपके। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हो गया। तो प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, एन आर टी अपॉन वी। क्लियर है यहाँ तक जी? यहाँ तक कोई मसला किसी को? जी सर। ठीक है। नो सर। तो बेटा ये एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है। नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला डिवाइड ये भी होता है कि मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, पढ़ा होगा आप लोगों ने, यानी एन बराबर होता है एम अपॉन कैपिटल एन। सो वेयर एन इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, को रख दीजिए ऊपर, तो क्या बन जाएगी क्वेश्चन, पी बराबर हो जाएगी एम आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास वेलोसिटी। इसमें कोई इशू किसी को? कोई नई चीज़ तो नहीं आई है इसमें? वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम के वी को देखें, वेलोसिटी के वी को यूँ बनाएगा, वॉल्यूम के वी को यूँ बनाएगा, तो ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, ठीक है जी? क्लियर है यहाँ तक? अब ये बताइए कि बेटा मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या बन जाएगा, प्रेशर डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम मैंने अलग कर लिया, और क्या लिखा हुआ है, आर टी अपॉन एम। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, डेंसिटी, डेंसिटी आर टी अपॉन एम। क्लियर है? अब इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा इक्वेशन टू में, पुट इन टू लिप्लास वाली। तो बेटा क्या बन जाएगी, ज़रा लिखवाइए, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट, पी ऊपर है, पी की जगह ये आ जाएगा, डेंसिटी आर टी डेंसिटी अपॉन एम। ये ब्लू से मैंने ये लिख दिया, आर
अब जो वहाँ बचा है गामा और डेंसिटी, वो मैं रेड से लिख देता हूँ। ये रहा गामा, ये रही डेंसिटी। तो डेंसिटी से डेंसिटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। हमारा फॉर्मूला क्या आ गया वेलोसिटी का, गामा आर टी अपॉन एम। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टेम्परेचर के, क्योंकि बेटा आर भी एक जनरल गैस कांस्टेंट है, डेंसिटी भी जो है एयर की कांस्टेंट रहती है, और मोलर मास भी जो है वो एयर के लिए या ऑक्सीजन गैस के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रही है, अंडर रूट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ये बात क्लियर हो गई। ये हमने स्पीड ऑफ साउंड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर बना लिया कि इफेक्ट ऑफ साउंड ऑन टेम्परेचर। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली डिपेंड ऑन दी स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर एब्सोल्यूट है, केल्विन में आएगा। इसके बाद हम इसको लिखेंगे के फॉर टू टेम्परेचर, बेटा अगर साउंड कहीं ट्रैवल कर रही हो, जैसे साउंड यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो अब क्या होगा, यहाँ की वेलोसिटी V1 हो जाएगी, यहाँ की वेलोसिटी V2 हो जाएगी। जाहिर सी बात, अगर टेम्परेचर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को, V1 इज इक्वल टू गामा आर T1 अपॉन एम, V2 इज इक्वल टू गामा आर T2 अपॉन एम। इन्हें डिवाइड कर देंगे V1 अपॉन V2, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी 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 गामा, ये आ जाएगा T1 अपॉन T2 आ जाएगा अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि जब मैं डिवाइड करूंगा तो गामा आर एम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, T1 बचेगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा T2। तो ये वेलोसिटी कंपैरिजन फार्मूला आया था है कि अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड दो टेम्परेचर में से गुजर रही हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाहर टेम्परेचर जो है वो मान लीजिए कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ साउंड तेज ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये फॉर टू टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है, बस ये इतना काफ़ी है, इसमें से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ तक पहले आपको ये कराया, फिर ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ही बता दिया मैंने आपको कि वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है, और फिर फॉर टू टेम्परेचर अगर साउंड दो टेम्परेचर में से ट्रेवल करे तो V1 अपॉन V2 अंडर रूट T1 अपॉन T2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बेटा बात, इसे कॉपी करना है तो कर लें, फिर हम आज की क्लास यहाँ पे एंड कर देते हैं, कल इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है जी, तो अब इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासों में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं किसी का, ठीक है आज के लिए काफ़ी है, कुछ पूछना है और, जी बेटा कुछ पूछना तो नहीं है, चलें फिर आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अब कल आगे इसको देखते हैं हम।